हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ नई रेसिपी लेकर आ रहे हैं। आज की रेसिपी है कच्चे चावल के साथ बेम्बू सूप। कच्चे चावल के साथ बेम्बू सूप, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देखिए। चाहिए क्या कहते हैं, बास्कुरू चाहिए हमें। ये है, हमने फ्राई कर चुका है। ये कच्चे चावल है, इसको हमने फ्राई कर लिया, तो ये इस कलर का हो गया। हमने इसको फ्राई कर लिया है, फ्राई कर लिया इसको। तो प्याज चाहिए आपको, 3 मिर्च चाहिए, और ये लास्ट में हम ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये है हल्दी। अरे कहना क्या चाहते हो, यूज करेंगे लास्ट में। तो चलते हैं कढ़ाई की ओर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, देखो तेल गरम हो चुका है, तेल गरम हो चुका है। अब हम प्याज डालेंगे, मिर्ची भी डाल देते। प्याज लाल होने तक भूनेंगे। 5 minutes later. देखो लाल हो चुका है, अभी हम इसमें नमक डालते हैं। नमक डाल देते हैं और कुछ नहीं डालना है आपको, बस बस अब हिलाते रहने हैं। A few moments later. मिक्सअप हो चुका है बैम्बू, तेल के साथ मिक्सअप हो चुका है बैम्बू की सब्जी। अब हम पानी डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं, पानी कम डाल दिया हमने, बस इसे उबाल आने तक दिखाएंगे आपको। 5 minutes later. उबाल आ चुका है, अब हम डालेंगे जो कच्चा चावल है, उसको हमने आपको दिखाया था कच्चा चावल। तो कच्चा चावल देखो फ्राई किया हुआ, उसको हमने मिक्सर मशीन पे ग्राइंड कर दे चुका है। अब देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे इधर। इस पर और थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इस पर। पानी डाल देते हैं, ग्रेवी कम हो चुका है। अब हम ये डालेंगे, ये पकने के कगार पर है। अभी हमने जो पानी डाला है, इसको बस 5 मिनट इसको उबालना है। और हमारे ये बास्कुट तो पक चुका है। अभी हमने ये जो डाला है इंग्रेडिएंट, जो चावल कच्चे चावल फ्राई करके जो डाले हैं, और ये जो हल्दी डाले हैं, इसके सुगंध थोड़े आने दो, इसलिए हमने थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको और पकाना है। इसके बाद मिलते हैं आप बनाने के पकने के बाद। तो फ्रेंड्स, बन चुका है हमारा कच्चे चावल के साथ बेम्बू की रेसिपी। देखिए इस तरह से आप बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, बिना चावल के भी हम इसे खा सकते हैं। तो धन्यवाद।